सो रही ना मॉम, अगर मेरी वजह से आपको कोई कोई परेशानी हुई है या मेरी वजह से आप हर्ट है ना, तो I'm really really sorry मॉम, but प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। I promise मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस मुझे इतना बताइए आप कहाँ हैं, मैं अभी तभी के अभी आपको लेने आ जाऊंगा। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई मैम, अपने ही बेटे की फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हैं? मॉम पता नहीं कहाँ चली गई, और पता नहीं किस साल में होंगी, ठीक होंगी भी या नहीं होंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनको अपने पास रखना चाहिए था। उन्हें कुछ हो गया तो, पिछली बार जब मॉम ऐसी बिना बताए सबको चली गई थी ना, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और मुझ पे इल्जाम लगा था। देखो अभी सबका टाइम है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मॉम पता नहीं किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। लड़ना मैं भी नहीं चाहती सर, मैं सच कह रही हूँ। मैं वाकई कुछ नहीं ऐसा करना चाहती जिससे आपकी टेंशन बढ़े। मैं तुम्हारी आई घर छोड़ के चली गई थी, तो तुम्हारी क्या हालत थी? अलग अलग ख्याल आ रहे थे ना तुम्हारे मन में, ऐसी मेरे दिमाग में ना अलग अलग ख्याल आ रहे। अगर मॉम को कुछ हो गया, बॉस के सिनेरियो होकर उन्होंने कुछ कर लिया, तो क्या करूंगा मैं? कुछ मुझे लगता है इस वक्त मैं ही समझ रही हूँ आपको, लेकिन सर अगर अगर मैं कुछ कर सकते आपके लिए तो मैं जरूर करती, लेकिन आपकी मॉम आपके साथ इतना बुरा क्यों कर रही है पता नहीं। कहती हैं आपसे प्यार करती है, असल में सिर्फ खुद से, अपनी ईगो से प्यार करती है। कमिश्नर को कॉल करता हूँ। होटल कैम्स रॉयल। कैम्स रॉयल? वो आपकी मॉम वहां है, मेरे दोस्त ने। अरे बेबी ने यहाँ के कबाब ट्राई करने को कहा था, मंगवाती हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था, इस वक्त कौन हो सकता है? ओह माय गॉड, विराट ये यहाँ कैसे, इसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? ओह गॉड क्या करूँ?